अब सुनिए भाई, हम डाइपोल मोमेंट के बाद स्टार्ट करते हैं, वापस से हम आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरी पर। कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी बॉन्ड फॉर्मेशन की थ्योरी है, और बॉन्ड फॉर्मेशन की थ्योरी में जब किसी मॉलिक्यूल का हम फॉर्मेशन की स्टडी करते हैं तो हमारे सिलेबस में अलग अलग टाइप की थ्योरी है। जैसे जिसमें एक को हम बोलते हैं वीबीटी, और फिर बाद में आएगी एमओटी। इस तरह दो थ्योरी की हम स्टडी, हालांकि यहाँ के डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थ्योरी है मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की, लेकिन उसमें एक का मेन नेम क्या है, वीबीटी थ्योरी। टी से तो उसमें थ्योरी है ही, वीबीटी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। इसका फुल फॉर्म क्या है, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। हेडिंग में आप इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। और दूसरी थ्योरी है जो अपन यूनिट के लास्ट में स्टडी करेंगे, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सेकंड थ्योरी का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और पहली थ्योरी का नाम क्या है, वीबीटी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम स्टार्ट करेंगे वीबीटी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में जब आप जाओगे तो पहले सारी चीजें समझिए, राइटिंग पर बाद में करेंगे, पहले सारी चीज समझिए। समझने का ज्यादा इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री में। पहला कंसेप्ट वीबीटी थ्योरी का, वीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन करते हैं तो कौन कौन से रूल रेगुलेशन हम अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी चीज की हमको स्टडी होना चाहिए। एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बॉन्ड फॉर्मेशन में वो कितने इन्वॉल्व करेगा, तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की स्टडी या उसका जो पास्टुलेट है, मेन पास्टुलेट क्या है कि वैलेंसी बॉन्ड फॉर्मेशन में, बॉन्ड फॉर्मेशन में वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, मींस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। फिर बाद में इसमें कंसेप्ट आया कि ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल के अंदर बैठा है, तो हमको क्या पता होना चाहिए, कॉन्फिगुरेशन। आप ऑर्बिटल किसके स्टडी होना चाहिए, वैलेंसी सेल, अरे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है ना, वो तो ऑर्बिटल के अंदर है ना, तो हमको क्या पता होना चाहिए उस एटम की, वीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हम स्टडी करेंगे किसी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की तो उसका कॉन्फिगुरेशन पता होना चाहिए, क्योंकि हमें ऑर्बिटल की आवश्यकता होगी। ऑर्बिटल जब तक पता नहीं होगा तब तक हम बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकते। थर्ड, हमको ये पता होना चाहिए कि उसके ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और कितने ऑर्बिटल पेयर्ड है। अनपेयर्ड ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल उसमें अनपेयर्ड है और कितने ऑर्बिटल पेयर्ड है, इन दोनों चीजों की हमको स्टडी होना चाहिए। अभी उन दोनों की स्टडी होना चाहिए तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब किसी हम मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे, जब किसी भी मॉलिक्यूल की हम स्टडी करेंगे तो पहले उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को चेक करेंगे, फिर उसके कॉन्फिगुरेशन को चेक करेंगे, फिर ये देखेंगे कि उसके पास ऑर्बिटल कितने अनपेयर है, क्योंकि वीबीटी थ्योरी में ऑर्बिटल जो अनपेयर्ड होता है वही बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, पेयर्ड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता, कैन नॉट फॉर्म बॉन्ड। कौन सा ऑर्बिटल, पेयर्ड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता, अनपेयर्ड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, कौन सी थ्योरी की स्टडी करना पड़ेगी, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। इसका मतलब उसने बोला है जरूर है वीबीटी थ्योरी में कि वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में बैठा, मतलब वीबीटी थ्योरी में क्या होता है,
ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, ऑर्बिटल्स आपस में मैच होते हैं, आपस में मिक्सिंग करेंगे। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग टू ईच अदर, एक दूसरे में मिल जाएंगे। ये अनपेयर्ड ऑर्बिटल, ये अनपेयर्ड ऑर्बिटल दोनों आपस में मिलेंगे, मैच करेंगे, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। लेकिन यहां ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का कंसेप्ट क्या है, ओनली अनपेयर्ड ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, ओनली अनपेयर्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इन्वॉल्व कर। अगर किसी कंपाउंड में बॉन्ड फॉर्मेशन होना है तो उसके वैलेंसी सेल में क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड ऑर्बिटल। जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल होंगे जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा उसको अनपेयर्ड बोलते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसके पास ऑक्यूपाइड है वो ऑर्बिटल केवल बॉन्ड फॉर्मेशन में ओवरलैपिंग करेगा, जो पेयर्ड ऑर्बिटल है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में ओवरलैपिंग नहीं कर सकता। फिर बाद में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आए तो इसमें एक थ्योरी आई पांचवें नंबर पर, फिर हाइब्रिडाइजेशन विविटी थ्योरी में। फिर हमने किसकी स्टडी करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। आज हम कहां तक स्टडी करेंगे, फोर्थ पॉइंट तक। फिर हाइब्रिडाइजेशन नया कंसेप्ट आएगा, तो पहले आज हम स्टडी करेंगे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी। तो आप यहां हेडिंग लिखेंगे, यहां समझते चलिए, केवल आज समझना है, लिखना राइटिंग वर्क अलग से करें। तो कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी, कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में किस तरह एनर्जी चेंज होती है और क्या टर्म कंडीशन है, पहले इसको समझेंगे। देखिए जैसे हाइड्रोजन का केस लेते हैं, हाइड्रोजन किसका फॉर्मेशन करेगा, H2 मॉलिक्यूल का, क्लियर। अब इस मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में हम इतना इजी बोल देते हैं कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, अरे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन इतना आसान नहीं है। देखिए ये हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, एक और एक मिलकर के हो गए 11, सॉरी 1+1=2, 11 नहीं होंगे, एक और एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 2 होंगे। कैसे, ये न्यूक्लियस इस हाइड्रोजन का, ये न्यूक्लियस दूसरे हाइड्रोजन का, पहले ये तो समझे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो उसमें एनर्जी का क्या होगा। ये न्यूक्लियस इस हाइड्रोजन का, ये न्यूक्लियस इस हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक और ये हाइड्रोजन दूसरे का इलेक्ट्रॉन एक। अब देखो यहाँ स्टोरी क्या होती है, अब यहां पर स्टोरी ये होती है कि जब हम इनके इलेक्ट्रॉनों को, दोनों के इलेक्ट्रॉन और दोनों के न्यूक्लियस अभी एक दूसरे से दूर है, अवे फ्रॉम ईच अदर, ये न्यूक्लियस इस डिस्टेंस पर है, तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और जब इसके अंदर जाओगे तो आपको प्रोटॉन कितना मिलेगा, एक। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, अगर हाइड्रोजन के अतिरिक्त किसी की बात करोगे तो फिर प्रोटॉन ज्यादा होंगे, हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। और इसी से हमको ये समझ में आ जाएगा कि मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में क्या क्या होता है। ये न्यूक्लियस ये एक दूसरे के दूर है, अवे फ्रॉम ईच अदर, तो इनमें कोई फोर्स अप्लाई होगा क्या, नहीं, कोई रिपल्सन नहीं होगा, क्यों कि अलग अलग है, सेपरेट टू ईच अदर। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, दोनों में रिपल्सन होगा क्या, नहीं। मीन्स दोनों हाइड्रोजन के एटम जब एक मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं तो ना ही कोई अट्रैक्शन फोर्स होता, ना ही रिपल्सन। अब आपने क्या किया, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो दोनों हाइड्रोजन के एटम आए नजदीक, ये इसके नजदीक आया, तो अब देखो कहानी क्या होगी, इसका न्यूक्लियस इस पर क्या अप्लाई करेगा, अट्रैक्शन फोर्स। यहां लिख देते हैं एफ आर अट्रैक्शन, एफ आर फोर्स। इस हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस जो खुद पॉजिटिवली चार्ज है वो इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दूसरे इस पे तो लगाता ही है, अरे ये इस पे तो अट्रैक्शन फोर्स लगाता ही है, लेकिन दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पे भी अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस की तो आदत है, न्यूक्लियस का काम क्या है, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करना अपोजिट चार्ज।
तो ये न्यूक्लियस इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो ये जो हरकत करेगा वही ये न्यूक्लियस हरकत करेगा, ये न्यूक्लियस इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक आने लगेंगे। लेकिन नजदीक आने के बाद क्या होगा, एक डिस्टेंस पे आकर रुक जाएंगे। क्यों? अब न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को क्या फोर्स एक्ट करेगा, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव, जब ये आगे आने लगेंगे तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस एक दूसरे पर क्या एक्ट करेंगे, रिपल्शन फोर्स। और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को कौन सा फोर्स एक्ट करेंगे, रिपल्शन फोर्स। भाई स्टोरी चेंज हो गई सडनली, दूर दूर जब थे तो कोई फोर्स नहीं था, जैसे ही एक एवरेज डिस्टेंस पे आए तो दो फोर्स लगे, ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा, मींस अट्रैक्शन फोर्स है ज्यादा। पर नजदीक आने लगे तो ये अट्रैक्शन फोर्स तो डिक्रीज हो जाएगा और न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन फोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां टर्म कंडीशन है कि अट्रैक्शन फोर्स हायर होना चाहिए, द वैल्यू ऑफ अट्रैक्शन फोर्स शुड बी हायर कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की पहली कंडीशन क्या है, अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू हायर होना चाहिए। अब अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू हायर होगी तभी तो मिलेंगे। रिपल्शन फोर्स शुड बी मिनिमाइज, रिपल्शन फोर्स मिनिमाइज होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब मिनिमम होगा रिपल्शन फोर्स वो मिल जाएंगे, रिपल्शन फोर्स हायर होगा तो वो फिर जिंदगी भर भी मिल सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूल फॉर्मेशन का कंसेप्ट है। तो यहां पर क्या होता है, अगर रिपल्शन हायर होगा तो रिपल्शन हायर होगा तो इस सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, हायर। जब इनमें रिपल्शन फोर्स हायर होता है तो इस सिस्टम की एनर्जी हायर होगी और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। होना क्या चाहिए, एनर्जी की वैल्यू लोअर होना चाहिए। और एनर्जी की वैल्यू लोअर कब होगी, जब इनका अट्रैक्शन फोर्स हायर होगा तब ये मिल जाएंगे और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो ये स्टोरी आपको समझाई सुनाई समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अभी लिखने का कोई गेम नहीं है, राइटिंग वर्क सबसे लास्ट में करेंगे। आज केवल अपने को ओनली स्टडी, ओनली थिंक, केवल समझना। ये हमारे को कंसेप्ट क्या मिला कि अगर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के टाइम दोनों एटम के बीच रिपल्शन फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो एनर्जी डिक्रीज होगी तभी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन पॉसिबल है। ये स्टेटमेंट हमको समझ में आया। अब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन पे चलते हैं। तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में आज हम क्या समझेंगे, ऑर्बिटल मिक्सिंग कैसे होते हैं, किस तरह मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी की स्टडी करेंगे। अब आप दिमाग में आपकी फेयर नोटबुक में ये हेडिंग लिखिए, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी, और स्टेटमेंट लिख लीजिए, द वैल्यू ऑफ एनर्जी शुड बी लोअर फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, इतना तो लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं भाई, एनर्जी की वैल्यू लोअर होना चाहिए, सिस्टम डिक्रीजिंग एनर्जी का होना चाहिए। अब सबसे पहले ये सारी चीजें मिटाएंगे, इनसे अपने को कोई लेना देना नहीं, जो बोर्ड पर लिखा है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उसकी बात करेंगे। क्या स्टडी करना है हम, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट, कि मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में ऑर्बिटल आपस में कैसे मिक्सिंग होते हैं। मिक्सिंग होंगे ऑर्बिटल जब अपनी एक्सिस पर ओवरलैपिंग करेंगे, तो पहले यह पता होना चाहिए ऑर्बिटल होते कितने हैं। ऑर्बिटल होते हैं चार टाइप के, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप, सारी चीजें पता होना चाहिए। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप। पी ऑर्बिटल डंबल शेप। डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल के बारे में यहां नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि वैलेंसी सेल में तो एस और पी ऑर्बिटल ही होंगे। वैलेंसी सेल में कौन होगा, एस
एंड पी, क्योंकि वैलेंसी शेल में केवल 1, 2, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो एस में रहेंगे, पी में 6 रहेंगे, डी ऑर्बिटल का काम ही नहीं है वैलेंसी शेल में, और अगर होगा भी तो एक्सटेंड स्टाइल में उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए। तो आपने को यह ध्यान रखना है एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप है, राउंड शेप में होता है, और पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबल शेप, जिसमें लोब कितने होते हैं, 2, एक ये और एक ये, लोब कितने होते हैं पी ऑर्बिटल में, 2 लोब्स। क्लियर, आगे बढ़े। अब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी में पहले हमने ऑर्बिटल की डिजाइन समझी, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होता है, पी ऑर्बिटल डंबल शेप होता है। दूसरी चीज इसमें यह समझना है, इसका एक रूल है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट में अनपेयर्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, लिखा है मैंने यहाँ पर, क्लियर लिखा होगा। कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, ओनली अनपेयर्ड ऑर्बिटल, पेयर्ड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो आप स्टेटमेंट लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इन ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व ओनली अनपेयर्ड ऑर्बिटल, केवल अनपेयर्ड ऑर्बिटल ही बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अब जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो दो टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, एक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, जो मेनली कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। पहला टाइप का बॉन्ड कौन सा होता है कोवेलेंट बॉन्ड में जब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड, जो स्ट्रॉन्गर होता है, और दूसरा पाई बॉन्ड, जो थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में वीकर बॉन्ड। लेकिन यहां ऐसा बोलते हैं कि पी ऑर्बिटल जब पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हायर होती है, एस ऑर्बिटल से जब कंपैरिजन करेंगे, एस ऑर्बिटल से मिक्सिंग हुआ और पी ऑर्बिटल से मिक्सिंग हुआ, तो ऐसा बोलते हैं कि पी ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग है वो स्ट्रॉन्गर है एसएस के कंपैरिजन। चलिए, यहां एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप है, पी ऑर्बिटल डंबल शेप है, डंबल शेप में दो लोब होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शायद यहाँ होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ नहीं है, इसलिए उसकी लोकेशन डिसाइड करना इम्पॉसिबल है। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का मेन रूल क्या है, अनपेयर्ड ऑर्बिटल उसमें इन्वॉल्व होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, वही ऑर्बिटल मैचिंग करेगा, मिक्सिंग करेगा जो अनपेयर्ड होगा, पेयर्ड ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेगा। इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन कितने होंगे, दो, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। कैसे फॉर्मेशन होते हैं वो हम बोर्ड पर समझेंगे। अब सबसे पहला ओवरलैपिंग क्या स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी कि बॉन्ड फॉर्मेशन जब होगा तो ऑर्बिटल की मिक्सिंग कैसे होगी। तो सबसे पहला ऑर्बिटल ओवरलैपिंग एसएस ओवरलैपिंग, ध्यान से समझिए, कुछ चीजें आपको समझते समय लिखना भी है, हाथ पैर में लीड पेन रखिए और फेयर कॉपी रखिए, लेकिन जो डिटेल हम अच्छी समरी लिखेंगे वो अलग से लिखेंगे, लेकिन यहां पर अभी जितना रफ वर्क आप कर सकते हो करिए। तो पहला रूल क्या है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी का, अनपेयर्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, अंडरलाइन मैंने कर रखा है, और इसी से फिर नई थ्योरी जनरेट होगी, क्योंकि ये कंसेप्ट दुनिया के जितने भी कंपाउंड है उनको फॉर्मेशन एक्सप्लेन नहीं कर सकता कोई एक थ्योरी, हजारों कंपाउंड है, लाखों कंपाउंड है, किसी एक थ्योरी से किसी का फॉर्मेशन हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मीन्स जितने भी हम थ्योरी स्टडी करेंगे वो थ्योरी ऑल मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन की स्टडी करने में सक्षम नहीं है, नहीं कर सकते, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थ्योरी आएगी। एक मॉलिक्यूल है उसमें ये थ्योरी लगी, दूसरे में नहीं लग रही, उसके लिए दूसरी थ्योरी जनरेट करना पड़ेगी, फिर 50 मॉलिक्यूल एक थ्योरी को ओबे करते हैं, अगला मॉलिक्यूल फिर उसको नहीं करता। तो ऐसे हम बात करेंगे आज एस एस ओवरलैपिंग, और इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है H2 मॉलिक्यूल। समझना ध्यान से, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन एसएस ओवरलैपिंग से होता है। तो हाइड्रोजन के डायग्राम के पास चलते हैं,
हाइड्रोजन वन मतलब उसका एटॉमिक नंबर वन है, दूसरा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन, तो क्या फॉर्मेशन हो जाए? H2 ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, सिंपल सी थिंग है। लेकिन हुआ कैसे? इसका डायग्राम क्या है? 1s1, इसका डायग्राम क्या है? 1s1, और ये क्या बन जाएगा? मिल करके दोनों क्या हो जाएंगे? 1s2, फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब देखिए ये न्यूक्लियस, एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल है ना, ये इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम का, दूसरे की भी कहानी ऐसी है। ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब दोनों ओवरलैपिंग करेंगे, दोनों ओवरलैपिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? ये न्यूक्लियस, ये एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आके दूसरे का, ये न्यूक्लियस ये आ गया, कौन से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है? अरे एस ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग किया ना, हाइड्रोजन में होता ही एस ऑर्बिटल, इसका एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग किया इसके एस ऑर्बिटल से, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप है। देखो स्फेरिकल इन शेप ऐसा होगा ना ये, और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? दोनों अपनी सरफेस को टच कर सकते हैं। इस टाइप के ओवरलैपिंग का नाम होता है ये दो इलेक्ट्रॉन यहां मिल गए, ये एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल, ऐसे एस ऑर्बिटल जब आपस में टच करेंगे, ओवरलैपिंग मिक्सिंग का मतलब क्या है? ओवरलैप करना, एक दूसरे में मिक्सिंग करना। ये दोनों एस ऑर्बिटल एक दूसरे में मिक्स हो गए, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक लाइन होगी हाइड्रोजन के बीच में। अब ये एस ऑर्बिटल है, और ये कौन से टाइप का ओवरलैपिंग है वो समझ लीजिए। दोनों नजदीक से मिल सकते हैं, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप है, ये भी स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट नजदीक से मिल सकते हैं, नियर टू ईच अदर। तो जब वो नजदीक से मिलेंगे तो इस टाइप के ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं? एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सिस पर ओवरलैपिंग, इसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। या दूसरा नाम क्या देते हैं इसको? हेड टू हेड ओवरलैपिंग, क्या बोलते हैं इसको? हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तीसरा नाम इसका क्या रखते हैं? एंड टू एंड ओवरलैपिंग, उनके एंड आपस में मैच हो जाते हैं। तो इसके तीन नाम, और नाम तीन हो चाहे चार हो, आपको तो एक ही नाम याद रखना, एक्सियल ओवरलैपिंग। और जब ऑर्बिटल नियर टू ईच अदर अपने से आपस में मैचिंग करे, तो मान के चलना हमेशा कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? सिग्मा बॉन्ड, एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। या ऐसा याद रखिए कि जब दो ऑर्बिटल नजदीक से आपस में मैच करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड के नाम से फेमस होगा। तो ये हाइड्रोजन का डायग्राम हम ऐसे बना सकते हैं, H, ये कौन सा बॉन्ड है? ये हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड है। 2 मिनट के अंदर नोट कर लीजिए, उसके बाद अगली स्टडी करते हैं रफ, जितना भी आपको इसमें नोट करना है तेजी से, 1 मिनट का समय है, नोट कर लीजिए। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल SS ओवरलैपिंग के थ्रू फॉर्मेशन होता है। बोर्ड पर उसका डायग्राम बना हुआ है। S ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होते हैं, नजदीक से नियर टू ईच अदर मैचिंग हो सकते हैं, और इस ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग और एंड टू एंड ओवरलैपिंग, देन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विच इज स्ट्रॉन्गर। तो ये ओवरलैपिंग कौन सा है? फर्स्ट टाइप, जिसको हम बोलते हैं SS ओवरलैपिंग। आगे चलेंगे भाई, SS ओवरलैपिंग के बाद आएगा, नाम बदलते जाएंगे, SP ओवरलैपिंग। जैसा SS ओवरलैपिंग में क्या था? S ऑर्बिटल से मिला, इसलिए उसका नाम SS ओवरलैपिंग। अब S ऑर्बिटल कौन से ऑर्बिटल से मैचिंग करेगा, मिक्सिंग करेगा? P ऑर्बिटल से। उस ओवरलैपिंग का नाम क्या रखेंगे? SP ओवरलैपिंग। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं,
ये सिग्मा बॉन्ड और वीक बॉन्ड जो आपने लिख लिया होगा, आ जाइए बोर्ड पर आ जाइए और ध्यान से समझिए एसपी ओवरलैपिंग क्या होगा। इसमें एक एसआर भी डाल बट अनपेयर, ध्यान रखिए ये इसकी कंडीशन है ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग में केवल अनपेयर्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। अनपेयर्ड का मतलब जिस ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसको अनपेयर्ड बोलते हैं, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों है तो पेयरिंग कर ली ना, वो पेयर्ड ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का कंसेप्ट है, पेयर्ड ऑर्बिटल कैन नॉट इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग कंसेप्ट। ओवरलैपिंग थ्योरी में पेयर्ड ऑर्बिटल का कोई काम नहीं होता। कौन से ऑर्बिटल का काम होता है? अनपेयर्ड, अगर अनपेयर्ड होंगे तो फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं। चलिए अब आते हैं सेकंड ओवरलैपिंग पर, जिसका नाम है एसपी ओवरलैपिंग। जैसा इसका मतलब है, जैसा इसका नाम है वैसा इसका मतलब है। क्या मतलब है? इसमें एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे बट दोनों अनपेयर्ड होंगे। तो हम चलते हैं किसके पास, मॉलिक्यूल ऑफ HF, HF, HCl, HBr, HI, चारों मॉलिक्यूल इसी ओवरलैपिंग कंसेप्ट से फॉर्मेशन हुए। सिंपल सा इसका एग्जांपल समझाता है HF का, और ध्यान से समझिए ये SP ओवरलैपिंग का एग्जांपल है। चलिए हाइड्रोजन के पास चलिए, कितना इलेक्ट्रॉन? एक। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन उससे रिएक्ट हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन? 9। अब दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। हमने आपको पहले बोला था कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी हो चाहे वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का ही हिस्सा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है, लेकिन यहाँ आपको किसकी स्टडी होना चाहिए? ऑर्बिटल की, अनपेयर्ड ऑर्बिटल की, पेयर्ड ऑर्बिटल की। उसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने उसके ऑर्बिटल्स है, ये सारी स्टडी होना चाहिए, उसका कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है सबको पता है, 1s1। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये उसका एक इलेक्ट्रॉन, बन गया हाइड्रोजन का डायग्राम। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके पास आते हैं, इन द फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड सेल, वैलेंसी सेल से मतलब है, ध्यान रखिए वीपीटी थ्योरी हो चाहे एमओटी थ्योरी हो, वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। 7 क्या डायग्राम बनेगा, 2s2 2p5। यहाँ ध्यान से समझिए, पहला एग्जांपल हाइड्रोजन का था, जो इधर था वो इधर था, अब उधर दूसरा है। डायग्राम बनाते हैं, ये एस ऑर्बिटल, कितना इलेक्ट्रॉन? 2, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉक। वैलेंसी सेल का डायग्राम बना रहे क्योंकि इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। 2s2 ये बन गया 2s2 p5, पी ऑर्बिटल होते हैं 3 बट इलेक्ट्रॉन है 5। फिलिंग करेंगे उनसे मल्टीपल से, 1 2 3 4 5, अगर 5 इलेक्ट्रॉन। ये अनपेयर्ड है, जिसको कंफ्यूजन है कि अनपेयर्ड ऑर्बिटल किसको बोलते हैं वो ये है, ये अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड मतलब इसकी पेयरिंग नहीं हुई, मतलब जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वो पेयरिंग, पेयर्ड ऑर्बिटल, ये दोनों पेयर्ड है और ये अनपेयर्ड। ये वैलेंसी सेल को हमने पैक कर दिया। अब बताओ इसमें हम ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी की स्टडी कर रहे हैं तो फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट क्या है? फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसके वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको तो एक चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां देखो कि इसके बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर हम ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी की स्टडी करें या उसको माने कि हाँ वो करेक्ट है, तो बताओ इसमें कितने ऑर्बिटल? क्यों, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में जब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी में जाते हो तो ऐसा नहीं बोलोगे कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते, नहीं, वैलेंसी सेल में प्रेजेंट ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, थ्योरी बदलती रहे। अब बताओ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी में कौन सा ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा? आपको बताया है स्टार्टिंग से कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी में केवल अनपेयर्ड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। ये सारे ऑर्बिटल 1 2 3, ये तीनों ऑर्बिटल पेयर्ड है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, मींस ये ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। ओवरलैपिंग कौन करेगा? ये इसका नाम क्या है सुन ली, पी एक्स, पी वाई, पी
जेड या पी जेड है और इनको आपको डायग्राम बना के अलग से समझा देता कि ये पी एक्स पी वाई पी जेड कैसे बीमारी होती है, ये न्यूक्लियस, ठीक है। अब पी एक्स पी वाई पी जेड ये तो एक्सिस है, उसके रेस्पेक्ट में जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होगी वो नाम बनाएंगे, ये कौन सी एक्सिस एक्स, तो ये कौन सी एक्सिस और ये कौन सी होगी, एक्स और वाई परपेंडिकुलर होती है, जेड उसके 45 के एंगल पे होगी। अब ऑर्बिटल कहाँ है, देखो ये एक्सिस तो इधर भी होगी ना, ये जेड हो गई, ये कौन सी हो गई एक्स और ये कौन सी हो गई वाई। अब ऑर्बिटल बना, कितने ऑर्बिटल है, पी एक्स पी वाई पी जेड, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हायर होती है वो ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल पबजी कॉन्सेप्ट है, ऑर्बिटल कुछ नहीं होता, ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या है, ऑर्बिटल्स अराउंड द स्पेस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड स्पेस है इन विच मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाए वही ऑर्बिटल, ना मिले नथिंग। जिस एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन मिल जाए उसका नाम, उसी नाम से वो फेमस होगा। जैसे आप एक्स एक्सिस पर दौड़ लगा करके गए और आपको एक इलेक्ट्रॉन यहां मिला एक यहां मिला, आप एक एक्सिस पर चल रहे थे, आपने बोला ये तो पी एक्स है, नहीं आप पी वाई एक्सिस पर रन कर रहे हैं, इधर चल रहे दो इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो आप बोलोगे ये तो पी वाई ऑर्बिटल है। जेड एक्सिस पर चले उस पर दो इलेक्ट्रॉन मिल गए तो आप बोलोगे पी जेड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल एक्चुअली अराउंड द स्पेस है इन विच मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे मैक्सिमम हो, वो स्पेस ऑर्बिटल के नाम से फेमस है। इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑर्बिटल, अदरवाइज उसका नाम स्पेस होगा। तो ये डंबल्स है, बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये तो पी एक्स है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा ऐसे क्लॉकवाइज और दूसरा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, ये बन गया पी एक्स, ये पी एक्स ऑर्बिटल है, तो पी वाई ऑर्बिटल कहां होगा, ये पी वाई, एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा एक यहां होगा, पी जेड कहा है यहाँ है दोनों के बीच, ये पी जेड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा और इसमें चूंकि एक है तो एक ही साइड डायग्राम बनाएंगे, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन नहीं बना सकते। अब इसी डायग्राम को उठा के मैं यहाँ बनाऊंगा, इससे मैचिंग करवाऊंगा हाइड्रोजन से, ध्यान से समझ, ये ऑर्बिटल कौन सा है पी वाई, ये कौन सा है पी एक्स और ये क्या है पी जेड ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल इससे ओवरलैपिंग करेगा, क्यों कि हम स्टडी क्या कर रहे हैं sp overlapping, s orbital unpaired, p orbital unpaired से मैचिंग करेगा। चलिए ये ऑर्बिटल यहां आएगा मैच करने, पहले इसका डायग्राम बना, ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस, चलो डिटेल ही समझा देते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस, फ्लोरीन का न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट किसका है, ये कितने इलेक्ट्रॉन दो, वन एस टू होगा ना, ये बना दिया वन एस टू, स्पेरिकल इनशेप इनका कोई काम नहीं है बट आपको समझा दिया। अब ये टू एस, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन दो, इनका भी कोई रोल नहीं क्योंकि ये इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में पेयर्ड है। अब ये बनाते हैं तीनों, ये बना न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऐसे जाओ, ये कौन सा ऑर्बिटल पी वाई, और दूसरी चीज ध्यान रखिए ये पी एक्स भी हो सकता है, अगर ये पी एक्स है तो इधर वाला क्या हो जाएगा पी वाई, बदलती रहती है एक्सिस, बट अभी हम क्या करें ज्यादा इतना ना बदलेंगे हमें ही बात समझ में ना आए, इसलिए ये कौन सा ऑर्बिटल ये पी एक्स, एक इलेक्ट्रॉन यहां एक यहां, इसमें भी एक यहां एक यहां, ये पी वाई हो गया, ये पी एक्स हो गया, ये तो पेयर्ड है, इनमें तो बॉन्ड फॉर्मेशन होना ही नहीं है, ये तो एज इट इज रहेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्लीट फुल फिल है, डबल है, ये पी जेड, ये पी जेड, ये एक इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल से तो कोई ओवरलैपिंग करेगा ही नहीं क्योंकि उसके पास तो इलेक्ट्रॉन है, या ऐसा करते हैं कि इसको इधर बना लो या इधर बना लो, एक ही बात है एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक काम करते हैं इसको कहां बना लें, यहां बना ले ताकि अपने को फैसिलिटी रहे। अब ये इससे मिलने जाएगा,
एक इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी जेड, इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है किसी को पता नहीं है, तो घूमता रहता है, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, पर ये ऐसे वाइब्रेशन करता रहता है तो इधर उधर घूमता रहेगा इतनी इतनी जगह में, ढूंढना उसको आप जब फ्री रहो तो। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, सपोज डायग्राम बनाते समय तो एक जगह फिक्स करना पड़ेगा ना, ऐसा डायग्राम बनाऊंगा कि यहाँ चलता हुआ दिखे, नहीं, मुश्किल है, ये यहाँ पर है, ये वहां भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता, हमने इसको यहाँ मान लिया, अब ये एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल है, वो ऐसे आएगा इस इमेज, ये हो गया इमेज, ये उसने अपना इलेक्ट्रॉन रख दिया, दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ, एक क्लॉकवाइज हो जाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, डायग्राम बना देता, ये एक और ये हो गया, ये कौन सा ऑर्बिटल है, एस, और ये कौन सा है, लिख देता, ये तो पी जेड है ना, तो एस ऑर्बिटल ने किसके ओवरलैपिंग करी, एस ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, पी जेड इसके ओवरलैपिंग कर ली, दोनों मैच हो गए यहाँ आकर के, इससे क्यों नहीं मैच हुआ, इससे इसलिए मैच नहीं हुआ कि पेयर्ड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं करते ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी में, ये इससे ओवरलैपिंग कर, बताओ दोनों तो नजदीक से मिले ना, नियर टू ईच अदर, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल था, पी से जाके मिला, कौन सा ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, नजदीक से जब भी मिले समझ लेना एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड है, यहां लिख दे, कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, अब एचएफ को कैसे बनाओगे, ये बन गया, उसमें बनाना क्या है, हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लोरीन से, अब ये बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा, सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्मेशन में दो इलेक्ट्रॉन तो इन बॉन्ड, तो ये है एसपी ओवरलैपिंग, और वन मिनट के अंदर तेजी से इसको डायग्राम बनाइए, और जो लिखने का है वो सब आपको पता है क्या लिखना, पी एक्स पी वाई पी जेड, जब आप डायग्राम बनाओगे तो सीक्वेंस में होते हैं, जब ऑर्बिटल तीनों एक साथ रहेंगे डायग्राम बनाओगे तो वो सीक्वेंस में होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, क्योंकि अंग्रेजी का काम है, अंग्रेज लोगों का कंसेप्ट, अंग्रेज लोग ऐसे ही बोल के गए कि पी एक्स के बाद पी जेड नहीं आता, लेकिन मैथमेटिक्स क्या बोलती है, पी एक्स और पी वाई के बीच का पी जेड होती है 45 के एंगल, तो वहां डायग्राम अलग बनाना पड़ता है, और जब यहां ऑर्बिटल का डायग्राम बनाते हैं तब अलग होता है, बताइए भाई तेजी से, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एसपी ओवरलैपिंग है, एक्सियल ओवरलैपिंग का ये एग्जांपल है, अब भाई इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम बोलेंगे पीपी ओवरलैपिंग, बना लिया होगा डायग्राम आपने, मेरे को जहां तक अंदाज है आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, अब यहाँ पर ओवरलैपिंग बदलेगा, सारी स्टोरी चेंज करना पड़ेगी, चाहे कोई पुरानी स्टोरी लिखी हो उसको भी अपने को नई चीज समझने के लिए सब मिटाना पड़ेगा, मिटा दिया भाई, दिमाग पर से भी मिटा दीजिए, बोर्ड पर जैसे ही मिटता है आप अपने दिमाग से उस चीज को मिटा दीजिए, चलिए अब तीसरे टाइप का, और ये लास्ट ओवरलैपिंग है, इतनी कहानी समझने के बाद आपको ओवरलैपिंग का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, और जैसे ही आपको ओवरलैपिंग का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा इसके ड्रॉबैक्स आ जाएंगे, ये थ्योरी फेल हो जाएगी, और जैसे ही ये थ्योरी फेल होगी तो हम फिर नई थ्योरी जनरेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे थ्योरी कंप्लीट होगी, उसमें ड्रॉबैक्स आ जाएंगे, वो फेल हो जाएंगे, फिर हम नई थ्योरी के पास जाएंगे जिसको रेजोनेंस बोलते हैं, रेजोनेंस से कुछ कंपाउंड की स्टेबिलिटी, कंपाउंड की ज्योमेट्री एक्सप्लेन करेंगे, फिर वो फेल होगी, फिर आएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फिर वो कुछ कंपाउंड पे अप्लाई होगी, जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होगी उसके ड्रॉबैक्स आ जाएंगे, वो फेल हो जाएंगे, फिर जैसे ही वो फेल होगी तो एक थ्योरी और आएगी जिसमें हम ये बोलेंगे
कि मालिक युग का पारमेसन उसका अपना टेंशन है, उसको जैसे पारमेसन होना वैसे हो, हमें टेंशन ना दे, ये लास्ट थ्योरी। तो पीपी ओवरलैपिंग, कौन सा ओवरलैपिंग? पीपी ओवरलैपिंग, पी ऑर्बिटल अनपेयर्ड दूसरे एटम के अनपेयर्ड पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा। क्योंकि ओवरलैपिंग का कंसेप्ट क्या है? ओवरलैपिंग का कंसेप्ट है कि वही ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा जो अनपेयर्ड होता है, पेयर्ड ऑर्बिटल नहीं। इसका सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, जैसे एफ टू मॉलिक्यूल, कौन से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करें? एफ टू मॉलिक्यूल। अब एफ टू मॉलिक्यूल जैसे कौन कौन है? एफ टू मॉलिक्यूल जैसा तो सी एल टू भी है, बी आर टू भी, आई टू भी, ये चारों एग्जांपल इसी के, लेकिन मैं एक को समझाऊंगा। एफ टू मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन पीपी ओवरलैपिंग के थ्रू होगा, देखते कैसे। ये फ्लोरीन एक एटम 9 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा एटम 9 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर के क्या फॉर्मेशन कर देंगे? एफ टू मॉलिक्यूल। लेकिन पीपी ओवरलैपिंग कहां से हुआ, कैसे हुआ, समझो। इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड 7, इसमें जाओ इन द 2 फर्स्ट सेकंड 7, हो गया। वैलेंसी सेल का डायग्राम बनाएंगे इसका, ये क्या बनेगा? 2s2 2p5। इसका वैलेंसी सेल का डायग्राम बनाओ, 2s2 2p5। देखिए इतना समझ में आ गया सबको। फ्लोरीन के एटम को फ्लोरीन के दूसरे एटम से हम मिक्सिंग कर रहे हैं, एफ टू मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, उसके लिए मैंने दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिजाइन किया। आपने शायद डिजाइन कर लिया होगा, जिन्होंने ना किया वो डिजाइन कर लीजिए। और वैलेंसी सेल से मतलब रखिए, इनर ऑर्बिट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इनर ऑर्बिट का ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। उसके बाद जैसे ही वैलेंसी सेल में जाओगे तो वैलेंसी सेल में भी आपको उस ऑर्बिटल पर फोकस करना है जो अनपेयर्ड है, पेयर्ड ऑर्बिटल से कोई लेना देना नहीं। चलिए भाई ये डायग्राम बना, 2s2 p5, 1 2 3 4 5, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, कट लगा देता हूं। ये एक फ्लोरीन एटम के s और p x p y है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। जिसको टिक किया pz, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। उधर चलिए, ये 2s2, ये इन्वॉल्व नहीं होगा। ये px, ये py, ये और ये भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये इन्वॉल्व होगा। अपनी प्रॉब्लम ये है कि pz ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल को मैच करना है। देखिए ये बना हुआ है ऑर्बिटल, इसी में डायग्राम इसका सेट कर दूंगा, ध्यान से देख लीजिए। ये कौन सा ऑर्बिटल है? px, ये बना देता डबल करके ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख जाए। ये कौन सा ऑर्बिटल है? इस फ्लोरीन का, एक फ्लोरीन एटम का, इसका समझ लेते हैं, इधर वाली का, बाद वाले का इधर लेकर जाएंगे। ये फ्लोरीन का px ऑर्बिटल, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इससे आपको कोई लेना देना नहीं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये py, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई काम का नहीं आपके लिए। अब ये कौन सा ऑर्बिटल है? pz। एक चलिए भाई बात समझिए ध्यान से, ये pz, बट इसमें तो इलेक्ट्रॉन एक ही है, उधर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ है किसी को पता नहीं आज तक। अब हम क्या करें, ये एक एटम का जेड ऑर्बिटल pz जो अनपेयर्ड है, बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा, इसके pz को उठा के लाए इधर, तो इसका pz भी तो ऐसे ही आएगा, ये आएगा, ये ओवरलैपिंग कर ली, ये कर ली भाई ओवरलैपिंग, ये दूसरे का pz, कौन सा ऑर्बिटल है? ये इलेक्ट्रॉन आ गया, बड़े इलेक्ट्रॉन बना देता, एक ये तो ये pz, और ये भी क्या है? ये उस एटम का pz और ये इस एटम का pz, ये न्यूक्लियस। अब इसमें क्या करोगे? pz कहाँ होती है? pz तो बीच में होती है ना,
इधर पी एक्स और इधर पी वाई इसके बना दीजिए। कहा बनाओगे पी एक्स? ये ऐसे, ये बन गया पी एक्स, ये पी जेड सेंटर, इधर क्या आ जाएगा पी वाई। तो आपको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये हो गया, ये कौन सा हो जाएगा, इसको पी एक्स मान लीजिए, ये पी एक्स, इससे कोई मतलब नहीं। ये ओवरलैपिंग में कौन आया इन्वॉल्व होगा पी जेड, पी जेड एक आर्बिटल और है, ये कौन सा है पी वाई, इससे कोई लेना देना नहीं। डायग्राम सावधानी पूर्वक बनाइए और यहां ध्यान रखिए, ये पी जेड और ये पी जेड फिर नजदीक से मिले, नियर टू ईच अदर, डायरेक्ट ओवरलैपिंग है, कोई इनके बीच में नहीं आता। ये पी जेड सीधा इससे डायरेक्ट अटैच हुआ है, और जब जब डायरेक्ट अटैच होते हैं नियर टू ईच अदर ओवरलैपिंग करते हैं उसका नाम होता है एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड टू हेड और एंड टू एंड, और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और फ्लोरीन के मॉलिक्यूल को ऐसे डिजाइन करते हैं हम। बनाइए भाई 2 मिनट में डायग्राम बनाइए, समझिए और स्टडी पैकेज में थोड़ा सा रीडिंग लगाइए। लिखिए भाई तेजी से, थोड़ा जल्दी लिखिए, डायग्राम बनाना है, थ्योरी आप ना भी लिखोगे तो चलेगा, थ्योरी आपके पास लिखी हुई है। सॉरी भाई, अब आगे बढ़ते हैं, पीपी ओवरलैपिंग में ही बात करेंगे, क्योंकि पीपी ओवरलैपिंग दो टाइप का हो। ये पीपी ओवरलैपिंग कौन सा था, एक्सियल टाइप का, जब ऑर्बिटल नजदीक से मिले। अब इसके डायग्राम को हटा देते हैं क्योंकि अब अपने को डायग्राम बदलना पड़ेगा इसके बाद। चलिए, अब पीपी ओवरलैपिंग दो टाइप का होता है, जिसमें एक की तो हम स्टडी कर चुके हैं, जिसका नाम क्या है पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग। अब आएगा साइड वाइज दूसरा टाइप है, पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग दो टाइप का होता है, एक एक्सियल ओवरलैपिंग जिसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, दूसरे टाइप का पीपी ओवरलैपिंग होगा साइड वाइज ओवरलैपिंग, जिसके थ्रू कौन सा बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वो वीक होता है। और उसका कारण है कि दोनों पी ऑर्बिटल सेम एक्सिस पर ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे। इस केस में क्या होगा, साइड वाइज क्यों बोला कि ये साइड से ओवरलैपिंग करेंगे, अवे फ्रॉम ईच अदर दूर रहेंगे, ऐसे ओवरलैपिंग करने तो बॉन्ड वीक रहेगा, कभी भी ब्रेक हो सकता है। कैसे होता है समझ, ऑक्सीजन का नाम सुना होगा आपने, सबने सुना, ऑक्सीजन का एटम जब दूसरे ऑक्सीजन के एटम से रिएक्ट होता है तो शायद मैंने सुना O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता, आपने भी सुना होगा। और O2 मॉलिक्यूल को अपन कैसे डिजाइन करते हैं, ऐसे O डबल बॉन्ड O ऐसे करते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं, अब इनका काम नहीं। तो O2 मॉलिक्यूल को कैसे डिजाइन करते हैं, O डबल बॉन्ड O, दो लाइन है, एक बॉन्ड कौन सा है इसमें सिग्मा, तो दूसरा बॉन्ड कौन सा है पाई। जब आपको किसी कंपाउंड में दो एटम के बीच में डबल ट्रिपल लाइन नजर आए तो समझ लेना उनमें एक तो सिग्मा है, पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसके बाद पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो पाई बॉन्ड पहले कभी नहीं बनता है। ये O2 मॉलिक्यूल, अब देखते हैं कैसे बने। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, दूसरे में 8, क्लियर, इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2 6, इसमें 2 6, ये वैलेंसी है,
ये इसका वैलेंसी सेट डायग्राम बनाते हैं, क्या बनेगा डायग्राम 2s2 2p4, इसका डायग्राम क्या बनेगा 2s2 2p4, क्लियर। अब ये s ऑर्बिटल, ये दो इलेक्ट्रॉन, इसका ये s ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन, ये तो ऑलरेडी पेयर्ड है, ये इन्वॉल्व होंगे ही, इसका p ऑर्बिटल बनाओ, ये बने p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल बनाओ, ये बने चार इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, इसका मतलब अब ये भी अनपेयर्ड है और ये भी अनपेयर्ड है, इसका नाम पी वाई और इसका नाम पी जेड, दो ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, दोनों ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होंगे, इसीलिए डबल बॉन्ड है। अब इसको देखें, ये इसका पी वाई और ये पी जेड, अब भाई दो ऑर्बिटल अनपेयर्ड है तो दोनों ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होंगे, कैसे होते समझिए, मैं पहले इस ऑक्सीजन का डायग्राम बनाऊंगा, ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट दो इलेक्ट्रॉन, फिर कौन आएगा, ये आया भाई 2s, ये वाला, ये तो पेयर्ड है, स्फेरिकल इन शेप होते कोई रोल नहीं इनका। अब ये कौन है, ये देखिए, ये वाई एक्सिस होगी, इधर कौन सी एक्सिस है, एक्स, ये कौन है, ये पी एक्स ऑर्बिटल, और ये कौन सा ऑर्बिटल, ये पी वाई, ऐसे, और ये पी जेड, सब अपनी अपनी जगह है, अब ध्यान से समझना भैया, ध्यान से समझने का कंसेप्ट है, पी एक्स इन्वॉल्व भी नहीं होगा, इसको हटा देते हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये पेयर्ड है, ये दो इन्वॉल्व, क्लियर। अब क्या करें, थोड़ा सा समझने के हिसाब से, ध्यान से समझ, ये जो पी जेड एक्सिस है इसको थोड़ा सा ऐसा घुमा ले, मॉलिक्यूल तो एटम तो किधर भी घूम सकता, आपसे पूछ के घूमेगा क्या, ये जैसे ऐसे है, समझिए ये ऐसे है, जेड एक्सिस कहाँ है, यहाँ, हम इस गोबल को जेड एक्सिस के थ्रू पर, ये ऐसे है, अगर हम इसको ऐसा घुमा ले तो क्या होगा, तूफान आ जाएगा क्या, नहीं घुमा सकते, ये वाली जो जेड एक्सिस, जैसे ये जेड एक्सिस थी ऐसे, इसको घुमाया हमने 45 के एंगल से ऐसे कर लिया, तो ये घूमकर इसकी जगह आ जाएगी और ये घूमकर के यहाँ चली जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा, तो इसका डायग्राम कैसे हो जाएगा, चेंज हो जाता, बोल फॉर्मेशन में मॉलिक्यूल एटम घूमते रहते हैं, आपसे पूछ के थोड़ी घूमेगा। अब हम इसको क्या करें, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये जेड एक्सिस, ये पी जेड था, इसको घुमा के ऐसा कर इसकी जगह, तो क्या डायग्राम बन जाएगा, ये एक्सिस कौन सी हो गई, ये ऑर्बिटल कौन सा हो गया, पी जेड, ऐसा डायग्राम बुक के अंदर बना हुआ है, आप स्टडी कर लेना, ये एक्सिस को पहले ये ऐसी जेड एक्सिस थी, मैंने इसको घुमा के ऐसा कर दिया, तो सारी एक्सिस सभी घूम जाएंगे, पर नाम किसी का नहीं बदलेगा, ये यहाँ जेड आ गई, अब ये यहाँ आई तो ये कहाँ जाएगी, इस जगह, ये यहाँ, ये कौन है, ये तो पी एक्स थी ना, ये इधर है, इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि ये पेयर्ड है, ये पी जेड, अब पता पी वाई कहाँ है, पी वाई पहले ऐसे थी, ये पी वाई थी, ये घूमकर किसकी जगह आ जाएगी, पी जेड, ये आ गई, ये पी वाई, कोई बदला क्या भाई, कुछ नहीं बदला है, ये थोड़ा सा घूम गया हमने, अरे जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो करेंगे, ऐसा नहीं कि पी जेड एक्सिस यहाँ है तो सर यही बना के समझाओ, फिर डायग्राम ऐसे जाएगा, इधर जाएगा तो उधर बोर्ड पे जगह नहीं है, इसलिए अपन इस एक्सिस को ऐसे भी घुमा सकते हैं, और बोर्ड बुक या आपकी जो बुक है उसमें ऐसे ही घुमा हुआ है, ऐसे इसको एक्सिस को चेंज कर दिया, इसको पी जेड लिख दिया, बुक देखते ही आप कंफ्यूज करोगे, अरे सर आपने तो यहाँ पी एक्स बताया था, पी जेड कहाँ से आ गया, तो ये ऐसे हो सकता है, यहाँ वो पी वाई बताएगा, यहाँ पी एक्स बताएगा, यहाँ पी जेड, अब चलो दूसरे मॉलिक्यूल की पी जेड लाएं, वो ऐसे आएगी, ये आ गई, ये उधर पी जेड, ये मॉलिक्यूल मतलब एटम, ये कौन सी एक्सिस है इसकी, पी जेड, ये कौन सी है, पी जेड, अब बताओ पी वाई कहाँ है, ये पी जेड बीच में, ये
और ये एक्स मान लीजिए, ये पी एक्स, ये क्या हो जाएगा पी वाई, और ये कौन सी है, ये पी जेड, ठीक है। अब यहां देखिए पी जेड और पी जेड तो नजदीक से मिल गए, नियर टू ईच अदर। जब ऑर्बिटल सिंगल एक्सिस पर एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये बॉन्ड कौन सा है, ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है ऑक्सीजन का। अब बताओ कौन सा ऑर्बिटल और इन्वॉल्व होगा, पी वाई और पी वाई भी अनपेयर्ड थे, ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। लाइट चली गई भाई, ये यहां और ये यहां, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, ना दिखे तो फिर बाद में थोड़ी सी बात करेंगे। ये पी वाई एक्सिस और ये पी वाई एक्सिस, अब ये नजदीक से नहीं मिल सकते, नियर टू ईच अदर, तो ये ऐसे ये पी वाई और पी वाई ऐसे दूर से ही ओवरलैपिंग करेंगे, अवे फ्रॉम ईच अदर, और कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। थोड़ा सा आप उसको, ये पी वाई था, इसको मैच करिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, और इसके बाद की बात फिर अपन लाइट आने के बाद करेंगे, क्योंकि रेनी सीजन के कारण यहाँ